तो ये अंकल ने अपनी इडली लगा दी है। अंकल कितने टाइम से आप लगा रहे हो यहाँ पे स्टॉल? 18 साल। 18 साल, काफी ज्यादा हो गया। मैं मतलब खुद 23 साल का हूँ और अंकल 18 साल से कर रहे हैं, मतलब मैं जब 5 साल का था तब से ही। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा है अपने नए एपिसोड के साथ। और आज काफी खूबसूरत नजारा है। आज मैं आया हूँ कुछ नई लोकेशन पे। फिलहाल मैं आया हुआ हूँ शाहपुरा। सो शाहपुरा लेक साइकिल से आए हैं अपन और यहाँ का नजारा कुछ काफी खूबसूरत हो रहा है। मतलब बहुत बढ़िया हवा चल रही है। अभी सुबह का टाइम है, लाइक शायद 7 बज गए होंगे, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा टाइम। सो काफी अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ आ सकते हो एंड विजिट कर सकते हो। एंड लोग मुझे बड़ी गलत नजर से देख रहे हैं कि ये खुद से क्यों बात कर रहा है, बट ठीक है, ये आदत हो गई अब मुझे ब्लॉगिंग करते करते, इस चीज की आदत हो गई। खैर अब इग्नोर द फैक्ट्स। एनीवेज, तो द थिंग इज कि आज सुबह उठने के बाद इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी तो मैंने सोचा हमेशा मैं केडी साइड जाता हूँ तो आज कुछ नई एक्सप्लोर करें लोकेशन। तो यहाँ पे मैं शाम को आता हूँ यूजुअली बाइक से, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपन आज साइकिल से ही यहाँ आ जाए। मतलब क्या बेकार चीज है, सब अच्छा ही है और क्या। तो आज साइकिल लेके, साइकिल उठाई, यहाँ आ गए और डेफिनेटली इट्स वर्थ इट बिकॉज अभी इतनी प्यारी हवा चल रही है। सी, मैं 30 सेकंड शांत रहूंगा, तुम सुनो। सी इफ यू कैन फील द ब्रीज, मतलब सुबह उठने के साथ साथ इतना खूबसूरत लगता है, मजा आ जाती है। एनीवेज, स्टोरी डाल चुकी है अपन ने, कोई आसपास होगा तो मिल लेगा। 45 हो गए, मतलब आज तो सही टाइम पे निकल गए अपन मॉर्निंग में ही। और अभी फिलहाल तो लाइट्स भी बंद नहीं हुई है, स्ट्रीट लाइट भी चालू है अभी तक, बट यह है कि मज़ा आने वाला है आज। आज वैसे मंडे है, कल संडे था, लॉकडाउन था तो कल निकल नहीं पाए ना सुबह ना शाम को। यार मैगी की खुशबू आ रही कहीं से, मुझे इस एरिया में हमेशा आती है भाई। यहाँ पे इस एरिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाते ही रहता है, या तो सुबह कुछ खाना बन रहा होता है, बढ़िया पराठों की खुशबू आती है। मतलब रेस्टोरेंट तो है नहीं यहाँ लेकिन फिर भी बढ़िया है। तो आज अपन सुबह सुबह निकले हैं साइकिलिंग के लिए, जैसे अपन हमेशा निकलते हैं। एंड साइकिलिंग एक्चुअली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल अपन चल रहे हैं 2nd और 7th पे, 2nd और 7th गियर पे। अब अपन गियर शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वर्कआउट करूँ, मैं थोड़ा पैर को जोर दें ताकि अच्छा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो। तो गियर शिफ्ट अपन तब करेंगे जब पूरी एनर्जी डाउन होने लगेगी। तो अभी जब तक तो अपन चलते हैं। चलो अब चढ़ाई तक अपन खड़े होके साइकिल चला लेते हैं। आज अपन चलेंगे शाहपुरा तरफ, आज अपन केडी नहीं जा रहे, आज शाहपुरा तरफ जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। सुबह सुबह शाहपुरा लेक के किनारे बैठेंगे, बढ़िया मज़ा आएगा आज। खड़े होके साइकिल चलाने में जो वर्कआउट होता है ना, हालत ख़राब हो जाती है पैरों की। सुबह सुबह उठ के इतना अच्छा लगता है, फ्रेश एयर अंदर जाती है, सुख शांति हो जाती है। ये देखो सुख शांति अपार्टमेंट से याद आया, सुख शांति हो जाती है ज़िंदगी में। नहीं एक्चुअली सुबह उठने में मज़ा तो आता है और कहीं ना कहीं दिन फिर अच्छा जाता है, आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है कि आप चीज़ों पे फोकस कर पाओ। जैसे मैं हर कभी उठ रहा था, कुछ भी कर रहा था तो वो फील नहीं आ रहा था, मतलब काम तब भी कर रहे थे लेकिन वो फील नहीं आ रहा था अंदर से, एक पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आ रही थी। सुबह सुबह उठा ना तो फिर आती है पॉजिटिव एनर्जी। अभी देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतने दिनों से अपन शाम को नहीं निकल पाए, आज अपन शाम को निकलेंगे। मैं कोशिश करूँगा दिन भर जगूँ। अभी ये हो रहा था, मैं सुबह साइकिलिंग के लिए जा रहा था, जाके घर खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके, मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके सब करने के बाद फिर मैं 1 बजे तक 2 बजे तक सो जाता था, फिर मैं उठता था सीधा शाम को 6-7 बजे। फिर शाम को उठो ना तो फिर भाई वाइब्स का खेल हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। शाम के समय कभी नहीं सोना चाहिए, जैसे अपने हिंदू संस्कृति में तो बोला है कि शाम के समय नहीं सोना चाहिए संध्या वक्त, लेकिन ये है कि सो रहा था तो इस वजह से फिर वो फील नहीं आ रहा था।
तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब आज से पूरे टाइम अपन जगेंगे, दिन भर जगेंगे और रात में अपन जल्दी सो जाया करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक, तो एक स्केड्यूल बन जाएगा अपना सही। तो बस उसी में लगे हुए हैं स्केड्यूल बनाने में, ज़रूरी है यार, हर इंसान का स्केड्यूल होना चाहिए एक। सो अपन शाहपुरा पे अपनी वाली जगह आ गए और अपन यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, मतलब इससे ज़्यादा सुकून शायद कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैठो तालाब किनारे और थोड़ी देर देखो लहरों को, बढ़िया, फिर उसके बाद अपन वापस चल देंगे। नहीं ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, नहीं तो बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। सुबह की पहली तस्वीर एट शाहपुरा। सो मैजिशियन एडी मेरा अकाउंट है, वहाँ आप आके फॉलो कर सकते हो, सारे अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाया करेगा। सो अभी शाहपुरा का स्टेटस डाल दिया, कोई आसपास होगा तो मिल लेगा, सही है ना। तो यहाँ पे माहौल काफ़ी खूबसूरत है जैसा कि आप देख पा रहे हो, मतलब क्या लहरें चल रही है आज, तुम लहरें देखो बस। अरे नीचे हो जा, नीचे नीचे, हाँ अब ठीक है। थोड़ा लोग गंदा भी करके रखते हैं यहाँ पे, बट अब लोगों को क्या कर सकते हैं अपन। सो यहाँ पे लहरें काफ़ी खूबसूरत चलती हुई और हवाएं भी, और डेफिनेटली ये अपनी साइकिल है यहाँ पे, एंड काफ़ी खूबसूरत माहौल है यार, मतलब लोग आते हैं एंजॉय करने और गंदगी फैलाने भी आ जाते हैं लोग, भोपाल में बहुत लोग हैं ऐसे। सो काफ़ी बढ़िया माहौल है और अब अपन निकलते हैं यहाँ से, अपन को जाना है आगे से यू टर्न है, फिर वहाँ से उस सड़क से होते हुए अपन वापस केडी तरफ जाएंगे। सो केडी उस साइड है, तो यहाँ से शाहपुरा लेक कवर कर लिए, या फिर आप लोगों को वहाँ विजिट करा सकता हूँ, थोड़ा ही दूर पे एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज का माहौल काफ़ी खूबसूरत रहता है। चलो तो मैं वहाँ लेके चलते हैं, आज केडी नहीं जा रहे हैं, आज वहीं चलते हैं, आज माहौल वहाँ का जमाएंगे और वहाँ महफिल जमाएंगे अपनी। तो अब चलते हैं अपन, किस चीज़ का इंतजार है, साइकिल उठाते हैं और वो ब्रिज पे जाते हैं। कई लोग उसे मून वॉक कहते हैं, कई लोग उसे शाहपुरा लेक के पास वाला ब्रिज कहते हैं, कई लोग बंसल के पास वाला ब्रिज कहते हैं, कई लोग बोलते हैं वहाँ हनुमान जी का मंदिर है वाला ब्रिज, मतलब अलग अलग नामों से फेमस है। आई डोंट नो अभी तक उसका नाम क्या है, शायद मून वॉक हो सकता है, पता नहीं, लेकिन कई लोगों के मुंह से सुना है तो आई एम नॉट श्योर, मैं तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बट वहाँ जाएंगे, वहाँ माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो स्टे ट्यून्ड गाइस ऑन माय चैनल मैजिशियन एडी एंड फक्र से बोलो आई एम मैड। चलो लेट्स गो। अपन लोग निकल चुके हैं और अब अपन आगे से यू टर्न लेंगे और उसके बाद वापस अपन वो वाले ब्रिज पे जाएंगे। तो देखो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं सुबह भी मॉर्निंग वॉक के लिए, मैं बता रहा हूँ भाई सुबह आया करो, तुम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ नहीं तो जिम वगैरह फॉलो नहीं कर पा रहे तो एक साइकिल ले लो, क्योंकि मैं तो वही करता हूँ, साइकिल लो और घूमो, साइकिल सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब वर्कआउट पूरा हो जाता है। सो गाइस इतनी देर साइकिलिंग करने के बाद मैंने सोचा आज इडली खाते हैं, इस तरफ आना हो गया, नहीं तो यूजुअली मैं केडी तरफ जाता हूँ और मैं इडली खाता हूँ कहाँ पे वो आप लोगों को बता देता हूँ। सो यहाँ पे गणेश मंदिर है जो आप लोगों ने देखा होगा और उसी के सामने एक इडली गौरव नाश्ता घर नाम से है। गौरव नाश्ता घर नाम से है और यहाँ पे मैं मतलब जब छोटा था तब मेरे नाना जी यहाँ पे से आके लेके आया करते थे, हम लोग 1100 क्वार्टर्स में रहते थे, अब तो कोलार शिफ्ट हो गए, बट यह है कि हम काफी टाइम से खा रहे हैं, तो अंकल काफी टाइम से यहाँ पे इडली का कॉर्नर लगा रहे हैं और चलो अब अंकल से थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये अंकल ने अपनी इडली लगा दी है। अंकल कितने टाइम से आप लगा रहे हो यहाँ पे स्टॉल? 18 साल, काफी ज्यादा हो गया, मैं मतलब खुद 23 साल का हूँ और अंकल 18 साल से कर रहे हैं, मतलब मैं जब 5 साल का था तब से ही। तो अंकल अभी प्राइस क्या रखा है आपने इडली सांभर का? 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ प्लेट और 2 पीस रहते हैं उसमें। तो मतलब आपकी सीक्रेट रेसिपी तो खैर कोई नहीं बताता, लेकिन आपके टेस्ट का हर जगह काफ़ी नाम है कि कुछ अंकल कुछ अलग ही करते हैं, मतलब क्या रहता है, फिर भी आप कुछ बता सकते हो ऑडियंस को? कुछ नहीं, लोगों जैसे लोग बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाता। हाथ का स्वाद है, जादू है हाथ में, क्या बात है। चलो तो अब अपन इडली एंजॉय करते हैं, आप लोग भी यहाँ आ सकते हो और इडली एंजॉय कर सकते हो। अब अपन निकल चुके हैं और शाहपुरा ब्रिज जाना है, तो एनर्जी तो पूरी आ गई अपने अंदर घूमने लायक, और अब अपन कैंपियन रोड होते हुए शाहपुरा ब्रिज जाएंगे
मजा आ गया भाई इडली खा के सुबह सुबह, मतलब दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हो गई। अंकल की इडली सही में बहुत अच्छी है भाई, ऐसा नहीं है इनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ है मेरा, इनकी इडली जेन्युइनली बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फेमस करो, बढ़िया है। वो तो ऑलरेडी फेमस हैं लेकिन थोड़ा सा और लोग जानने लग जाएंगे। यह है कि लोग अगर कोई आसपास रहता है तो यहाँ के ट्राई ज़रूर करेगा अपने व्लॉग के बाद। और काफ़ी सारे लोग आते हैं और अंकल सिर्फ 7 बजे से, मतलब 7 से 9 तक उनका पूरा सामान ख़त्म हो जाता है। एंड दिस इज़ अ फैक्ट, मतलब आप अगर 9:15 तक आओगे तो आपको शायद ही कुछ मिले। 7:30, 8, 9, 8:30 तक इनका सामान रहता है, 9 बजे तक तो ख़त्म कर देते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बिक्री होती है और इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं। कई लोग तो फिक्स्ड हैं अंकल के यहाँ पे कि कल ये इतना रख लो, अगला कल फिर आऊँगा फिर खा लूँगा। लोग पैसा जमा कर करके चले आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है यहाँ का। तो दिन की शुरुआत अच्छी हो गई अब अपनी। अब अपन ज़रा महफिल जमाएँ, थोड़ी देर बैठें और गाने सुने पुराने। मेरे पास बेंटली थी तब, मैंने यहाँ पे एक व्लॉग बनाया था, शायद आपने देखा होगा, और शायद वो मेरा पहला व्लॉग था, फर्स्ट व्लॉग में से ही था। इडली खाने चलते हैं ऐसा कुछ करके नाम रखा था मैंने। आई वॉज सो इमैच्योर, लेकिन 8 महीने पुरानी बात है, 8-10 महीने ज़्यादा भी नहीं। बट ये है कि हाँ, व्लॉगिंग में तो रोज़ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई आप उसको फॉलो करो, आप इसको देखो, इसके वीडियोस देखो। मैं चाहता हूँ हमेशा मैं खुद का एक कंटेंट क्रिएट करूँ। मैं नहीं चाहता मैं कभी भी किसी और का फॉलो करूँ या किसी और का चीज़ आपको अपने इसमें दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो कंटेंट है वो ओरिजिनल रहे, मेरा जो स्टाइल है वो ओरिजिनल रहे। हाँ, मैं वर्क कर रहा हूँ चीज़ों पर, एडिटिंग पे धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव कर रहा हूँ। गिम्बल वगैरह ले लिया अपन ने, गैजेट्स इम्प्रूव कर रहे हैं। बट ये है कि मैं फॉलो नहीं करना चाहता किसी को कि उसी के स्टाइल कॉपी करो और वही आपको परोस दूँ, मतलब वो तुम्हें भी फिर मज़ा नहीं आएगा। ऐसी एनर्जी फूटती है ना जैसे ही खाना अंदर जाता है। अपन फूडी इंसान है यार, अपन लोगों का कुछ नहीं होगा, मतलब होने का तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन भाई अपन को फूडी रहना है, क्योंकि भाई हमें है लालच, है हमें मोह माया है। बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? हम वर्कआउट करते हैं, हम बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट नहीं करते साहब, हम फिट रहने के लिए करते हैं। मतलब जो ऊटपटांग खाया है वो कहीं ना कहीं सही से बॉडी को लग जाए, इसलिए अलग से फैट जमा ना करे, वही चीज़ है। और ये है वो ब्रिज जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले, बच गया। मैं क्यों की ये हरकत मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो बच गए। अब साइकिल उठा के उधर जाना है, सबसे टफेस्ट पार्ट। तो यहाँ का नज़ारा कुछ देखते ही बनता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो यहाँ पे भी चल 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 पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ से, और वो अभी पन्नी फेंकी किसी ने। वैसे बड़े पॉल्यूशन के रिगार्डिंग पोस्ट डालते रहते हैं लेकिन अभी थप्प से पन्नी वहाँ गिरी, मतलब लोगों को क्या ही बोलें अपन, बढ़िया है। ये रही अपनी साइकिल, अब अपन आगे जाते हैं और आज यहाँ पे माहौल देखते हैं। यहाँ से तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आगे से आने वाला है, तो ट्यून इन रहो। सो ये यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, सिर्फ पानी 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 है, सटीक। सो आई होप आप लोगों को ये नज़ारा देख के सुबह बन गई होगी। वैसे तो रात को व्लॉग देख रहे हो तुम लोग, लेकिन यह है कि सुबह भी बन जाएगी जो लोग सुबह देख रहे हैं, और जो लोग रात को देख रहे हैं उनके लिए यह है कि मोटिवेशन आएगा कि सुबह निकलें। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब अपन मॉर्निंग में निकलते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आती है। सो आई रियली वॉन्ट कि तुम लोग भी इस तरीके से निकलो, एक्सप्लोर करो यार दुनिया को, एक ही लाइफ है, सोने में बर्बाद कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं भी सोता था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई देवी पुरुष हूँ, बट यह है कि सुबह उठ के काफी अच्छा लगता है। तो तुम लोग एक बार निकलोगे ना तो आदत हो जाएगी, और मुझसे भी मिल सकते हो कभी ना कभी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।